ओम शांति। गुड मॉर्निंग, बोलो ना गुड मॉर्निंग। अच्छा, कोई कोई सोचते हैं अभी गुड मॉर्निंग कैसे बोले। संगम हमारे लिए सृष्टि का 5000 साल में ये 100 साल हमारे लिए गुड मॉर्निंग है ना? क्या अभी भी रात है? बोलो गुड मॉर्निंग। अभी भी कोई बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा। वैसे मैं बताऊं, जो भी भट्टी में होने वाली हैं, हमारी आदरणीय दादी ने सब कुछ बता दिया है। भट्टी माना कपड़ा धुलाई, भट्टी माना खाना बनाना, भट्टी माना पकना। बाबा ने जो मुरली में कहा है उसको हम प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। करेंगे सभी? अच्छा, मैं दादी ने कहा, सबसे पहले गाना सुनाऊं। आपने सिखाया बाबा हमको मुस्कुराना, आपने सिखाया बाबा हमको मुस्कुराना, आपने सिखाया बाबा हमको मुस्कुराना। मजा आया? मुझे नहीं लग रहा था कि मजा आया आप सब। देखो प्रैक्टिकल दीदी कैसे बोल रही थी हमें कि प्रैक्टिकल आप सब ये अनुभव करेंगे और करेंगे। मैंने बीच में कहा बाबा 80 सालों से प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं? बच्चे मुस्कुरा। कितने सालों से? 82 साल हो गया। हमें तो मुस्कुराना नहीं। आपने सिखाया, चेहरा बिगाड़ बिगाड़ के गा रहे हैं। हाँ बाबा, आपने मुस्कुराना हमें सिखा दिया, लेकिन मुस्कुराहट भट्टी माना ही अग्नि क्या है? आग को कितनी भी धरती के खाई में आप जलाओ, उसकी तेज, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति ऊपर की ओर आएगा या नीचे जाएगा? तो अग्नि ऐसी चीज है, संपूर्ण रूप से प्रकाश और तेज शक्तिशाली, जो ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। तो जो मनुष्य योग करता है, जो आत्मा योग करती है, वो संपूर्ण तेज इस संसार में सबसे ऊंच उड़ जाता है, महान बन जाता है। तो आप करने के लिए तैयार हो? जब भी कोई मुनि ऋषि साधु संत जंगलों में जाके तपस्या किए, सबसे पहले उन्होंने स्थान चुना है कि नहीं? नहीं तो भटकने वाले तो बहुत भटकते हैं। तपस्या करना माना चाहे वो पेड़ के नीचे बैठे या गुंफा में बैठे या पानी के ऊपर खड़े रहे, सबसे पहले स्थान चुना। तो जगह के महत्व तो बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए बाबा ने ये जो जगह को बनाया तपोवन को, इस तपोवन, तपोवन माना जहां तपस्या की जाती है, तो वहां हम तपस्या करने के लिए बैठे हैं। अपने तन मन को एकाग्र रखना है, हो सकता है? थोड़ा मुस्कुरा के बोलो। हाँ जी, हाँ जी। एकाग्र माने क्या है मैं पहले बता देता हूं। जैसे आप बैठे हो, समझ लो सामने से कोई उठ के गया, कोई काम होगा, तो आप क्या करोगे? कहां जा रही है, कहां जा रहा है, जरूरी है? पिछली बार भट्टी हो रही थी एक जगह पे, बहुत सारे भाई बहने बैठे थे, तो एक माताजी बाजू में से उठ के गई, दूसरी माताजी अपने ऐसे उठ के देख रही है उसको। जब तक वो पीछे तक नहीं गई वो देखती रही। ये सिर्फ एक की नहीं, हम सबकी आदत पड़ी हुई है। समझ लो बहने आएंगे, कभी पानी का ग्लास रखेंगे, कहीं फूल, कहीं कोई बात होगी, साउंड वाले भाई आएंगे, तो हमें उसको देखना जरूरी है? नहीं, थोड़ा तो देख लेना ऐसे, देखे देखे राकेश भाई साउंड कैसे प्ले कर रहे हैं, जरूरी है? तो इसलिए इस 2-3 दिन में अगर संपूर्ण फरिश्ता रूप का अनुभव करना चाहते हो तो अपने तन की एकाग्र बहुत जरूरी है। जब तन एकाग्र होगा तो मन भी। तो साधु संतों ने भी जो तपस्या सिद्धियां प्राप्त की,
लेकिन बाबा ने हमें सहज राजयोग बनाया, और सहज राजयोग इस तरीके से करें, इतना सहज भी ना बना दें, शरीर को ऐसे हिलाते रहें डुलाते रहें, तो थोड़ी सी 2-3 दिन हम पूरा तन और मन को एकाग्र करेंगे, किसी को एक दूसरे को नहीं देखेंगे, पक्का। तो इस भट्टी में पक्का शब्द जो मैं बोलूंगा आप 3 बार पक्का पक्का बोलेंगे, पक्का। अरे 3 बार बोला था, हमारी दीदी एंकरिंग कर रही थी ना, उन्होंने कहा ना जो बोला जाएगा वो करना है तभी वो फायदा होने वाला है। 3 बार बोलना है, कितने बार? 3 बार। पक्का? हाँ देखो भाई जी ने परफेक्ट बोला, बाकी पक्का। पहला वाला पक्का ठीक है, दूसरी वाला कमजोर और तीसरे वाला और कमजोर हो जाता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं लेकिन बहुत शक्तिशाली। बाबा किन बच्चों से क्या करा सकता है बाबा ही जानता है, और ड्रामा में सबका भाग्य अपना अपना है। देखो भाई जी ने कहा मेरे, मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली हूं जो बाबा के बच्चे हम बने। मैं कौन हूं? मैंने कहा था 3 दिन मुस्कुराना, पद्मा पद्म भाग्यशाली। अच्छा एक बात बताओ, बाबा मुरली सभी सुनते हैं? बाबा की मुरली सिर हिलाते तो समझ में नहीं आता है, थोड़ा हाँ जी बोलो। मुरली में सबसे पहले बाबा क्या बोलते हैं? क्या? मीठे बच्चे। ये तो सूखे बच्चे हो गया, मीठे बच्चे। अच्छा 1 सेकंड के मीठे बच्चे, 1 मिनट, 1 घंटा या दिन भर या 24 घंटे या अभी थोड़ी देर की बात, जैसे ही कोई घटना सुनाया गया ना उसने उसको मार दिया, यहां से सिकुड़ा पले चेहरा। अच्छा सत्ती में सभी थे? हाथ उठा के बोलो हाँ जी। द्वापर में थे? कलयुग में हो? अच्छा ये बताओ, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, आपस में कोई बात नहीं करेंगे, मेरे से ही सिर्फ बात करना है, आपस में नहीं। हम सत्युग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, अभी कलयुग में थे, लेकिन अभी संगमयुग में आ चुके हैं। 2500 साल हमारी चेहरा कैसा था? कैसा था 2500 साल तेरा? बोलो नहीं करके दिखाओ थोड़ा। लक्ष्मीनारायण देवी देवता थे ना हम? बोलो मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूं। कोई कोई तो हाथ उठा नहीं रहे, मैं पद्मा हूं। क्योंकि जब भगवान ने कहा 82 साल हो गया कर नहीं रहे हैं, तो आप कहो तो हम क्या करेंगे। छोटा सा अनुभव मैं बताता हूं, आज तक बाबा इतना मिराकल चमत्कार, फरिश्ता छोड़ो आपके जीवन के, जैसे दादी जी ने कहा समस्या संपूर्ण मिट जाएगी, फरिश्ता अंत बाहक शरीर। इस बार की बाबा ने मुरली में बोला अंतिम स्थिति फरिश्ता स्वरूप, जब तक फरिश्ता नहीं बनोगे देवता। तो आज तक जितनी भट्टियां हुई है और जिन्होंने पहले भी यहां भट्टी किए होंगे, वो जो भट्टी का अनुभव और आगे भी जो अभ्यास करते होंगे, सिर्फ भट्टी करने की बात नहीं, जिन्होंने अभ्यास किया वो खुद अनुभव सुनाते हैं, भाई जी हमने फरिश्ता छोड़ा, ये काम हो गया, ये काम हो गया, जो नहीं हो रहा था वो हो गया। तो क्या ऐसा अनुभव करना चाहते हो? तो दो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, करोगे? ये वाली मेहनत है, और कोई पत्थर नहीं उठाना यहां, सिर्फ यही वाली हो सकता है। मैं बहुत बीच बीच में, आज तो शुरुआत है, बहुत सारी कहानी सुनाने वाला हूं, सत्य घटनाएं, कुछ मेरे जीवन की घटनाएं, कुछ भाई बहनों की जीवन में जो घटना घटी है,
जब मैं कोई घटना सुनाऊं तो चेहरा बिगाड़ना मत। मुझे पता है आप सभी ने डिग्री लिए हुए हैं रावण की, 2,500 साल से हमने प्रैक्टिस कर करके बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त की है, किया है ना? नहीं किया? अरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही तो बाबा छुड़ाने के लिए आए हैं, है ना? तो द्वापर से कितने विकार में लिप्त हैं हम, अनगिनत विकार है। उसकी छोटे बच्चे बच्चे देख लो कितने हैं, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या ये नफरत घृणा बहुत सारी है, और ये सभी के अंदर भरा हुआ है, हुआ या नहीं? तो इसको निकालने के एक सहज उपाय है, सबसे सहज उपाय जो बाबा की मुरली में सबसे पहला लाइन आता है, मीठे बच्चे मैं कौन हूं, मीठे बच्चे मैं मीठा बच्चा, ऐसे मत कहा, मैं मीठा बच्चा बोलो, होठ को सिर्फ थोड़ी सी इतना ही करना है। तो उसके लिए इस भट्टी के अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी, एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, क्योंकि इसका ये जो एक्शन का रिएक्शन है, मैं इसके ऊपर 3 साल से चिंतन मंथन करता रहा, मैं कैसे बताऊं इस चीज को, एक्शन का रिएक्शन जो आज सुनने वाले हो। अभी इसी साल से शुरू हुआ इस टॉपिक के ऊपर, और बहुत इफेक्टिव है और जल्दी, मैं सोचता हूं भाई लोग और एक लाइन इधर बना रहे, इधर आ जाओ सामने पर, है ना भाई लोग, एक लाइन इधर बना देखो, हाँ बड़े ध्यान से देखो माताएं कैसे भाई भाई उठ के आ रहे हैं सब, देखो 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 देखो, हाँ बड़े ध्यान से देख रहे हैं, देखो माता जी, अरे नहीं देखना है, यही तो पेपर है आपके लिए, कोई उठ रहा जा रहा है हमें देखना जरूरी है। हाँ। तो ये हमारी योग में सबसे बड़ी बाधक है, जो 2,500 साल से हमने आदत बनाया ना दूसरों को देखने की, भट्टी में कुछ भी हो जाए कोई नहीं देखेगा, ठीक है? हाँ जी बोलो, क्योंकि प्रैक्टिकल हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, मुस्कुरा के बोलो क्या करने वाले हैं। मैं कई जगह पर गया जिनके मन में बहुत सारी दुश्चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन में चले गए थे, आप सभी ने भी कमाल की होंगी, लेकिन एक ऐसी चीज है, अभी अभी मैं सिलीगुड़ी में गया था 6 महीना पहले, जैसे ही मैं गया एक क्लास कराया एक सेंटर में, 1 घंटे क्लास कराया, तो भाई ने अपने बेटे को लेके आ गया, बोला भाई जी मेरे बेटा को थोड़ा दृष्टि दे दो कुछ बोल दो। मैंने क्यों, बोला देखो आपने इतना अच्छा क्लास कराया ना, मेरे मन में सारे डिप्रेशन तनाव निकल गए, और मेरा बेटा जो है 3 साल से बोल नहीं पा रहा है ठीक से, देख फिर चेहरा बिगड़ा देखा, आपको मुस्कुरा के सुनना है, क्योंकि इस महाभारत की लड़ाई में कृष्ण जैसा हमारी चेहरा होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं नहीं भाई साहब, हमने तो 2,500 साल से रो रो के हमारी चेहरा बिगाड़ा, ऐसे थोड़ी, कितना रोया आज भी फटाफट, कितने गुस्सा करते हैं, कितना रोते हैं, और गुस्सा को ये ऐसे देखा आप करते हुए, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ आपने मुझे पैसा नहीं दिया ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ऐसे कभी किया, कैसे कैसे चेहरा बनाते हैं। डिस्कवरी चैनल मैंने देखा, चाइना का डिस्कवरी चैनल देखा, तो कोई कोई नाक को ऐसे घुमाते हैं, यू 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 होता है। एक बार एक बहन जी का इंटरव्यू लिया गया, क्योंकि वो बहुत मिरेकल चीज है, आजकल टैलेंट शो चलता है ना, हाँ जी तो बोलो, टैलेंट शो चलता है, तो टैलेंट शो में जब हम देखते हैं वो बहुत अलग अलग ढंग से दिखाते हैं, तो एक बहन जी क्या करती है, ऐसे करके 1 सेकंड में ये जो आईब्रो है यहां तक पहुंचाती है, आपका होगा, लेकिन आपने तो उससे भी बड़ी प्रारब्ध की है, उस बहन जी को ट्रेनिंग में पूछा गया कि ये आपने कैसे किया, बोला भाई साहब मैं 3 साल लगातार प्रैक्टिस किया हूं ऐसे, वो 3 साल में इतना हासिल की है, हमने 2,500 साल से कैसे बिगाड़ा चेहरा को,
रोया या नहीं? हाँ जी बोलो। क्रोध किया या नहीं? गुस्सा किया या नहीं? क्रोध गुस्सा एक ही होता है। अच्छा, ईर्ष्या किया या नहीं? नफरत किया या नहीं? घृणा किया या नहीं? समझ, घृणा करनी है, कैसे करनी है वो ठीक नहीं है, करते या नहीं? तो कितने साल से कर रहे हैं हम, बोलो ना सभी। वो तो 3 साल में बहन जी आपने सर्टिफिकेट ली ये करने की, इसको यहां उठा देते हो। हमने तो 2500 साल से रो रो के चेहरा बिगाड़ा है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण देखो चेहरा कैसे हर्षित मुख वाली थे या नहीं? हाँ जी तो बोलो। और वो लक्ष्मी नारायण कौन थे? लक्ष्मी नारायण देखो, आप एक मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो वहां 2000 किलो चावल खरीदना है, कितना बात करनी मेरे साथ, कितना? तो दुकान वाला कितना सारा चावल दिखाएगा? थोड़ी सी दिखाएगा, सिंपल। तो बाबा भी हमारे सामने लक्ष्मीनारायण को सिंपल रखा है। सभी लक्ष्मीनारायण जैसा देवी देवता सत्य में होंगे, होंगे ना? सबके चेहरा कैसे होगा? लेकिन हमने बिगाड़ना कब से शुरू किया, और बिगाड़ बिगाड़ के यहां बैठे हैं। लेकिन बाबा आके हमें बोलता है, मेरे मीठे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, बोलो बोलो, मैं मीठा बच्चा हूं, हाँ मैं मीठा बच्चा हूं। इस बार की मुरली को बड़े ध्यान से सुने। सचमुच जब भी मैं क्लास में बैठता हूं, कराता हूं, कभी कभी मुस्कुराहट नहीं आती, लेकिन मैं एक्टिंग कर लेता हूं, क्योंकि स्टेज पर बैठा हूं, और वो एक्टिंग ही नेचुरल संस्कार बन जाता है। हमने द्वापर से क्या किया, एक्टिंग करते करते आए ना। जब ये अनुभव मैंने उनको कराया, सचमुच एक अभ्यास मैं करता हूं जो आप सीखने वाले हो, तो भाई अपने बेटे को लेके आया, बोला जल्दी भाई जी कुछ कर दो। मैंने कहा मैं क्या करूं? बोला हाँ आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने कहा ये एक्सरसाइज करो, ये करो। तो करते ही वो भाई को हल्का लगने लगा, जो 3 साल से डिप्रेशन में था एकदम मुस्कुराने लगा। ऐसे ऐसे कर रहा था, करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा अभी कैसा लग रहा है? बोला बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा के बोला। तो क्या आप सब करना चाहोगे? पक्का? 3 बार भूल क्यों जाते हो? देखो, अगर छत के ऊपर चढ़ना है, पहला स्टेप चढ़ना जरूरी है, तो दूसरा स्टेप ऑटोमेटिक पैर पड़ेगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो ये पहला स्टेप है फरिश्ता बनने की। आपकी ब्रेन इतना लाइट शक्तिशाली हो जाएगा, जो 3रा दिन आपको महसूस हो गया, वैसे कल शाम तक आप फरिश्ता बन जाएंगे। लेकिन एक एक चीज आपको करना है। तैयार हो? बोलो मैं। पूरा उठा ना, ऐसे नहीं, मैं महान आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। बताए किसी को तकलीफ हो रही है? मैं तकलीफ, और एक बार मुस्कुरा के, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, वरदानी आत्मा हूं, खुशनसीब आत्मा हूं, मुस्कुराते हुई आत्मा हूं। हाथ रखो नीचे नहीं उतर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। देखो हमारे विधायक जी अभी बोले हैं ना कि 21 जन्म के लिए नहीं, 84 जन्म के लिए, 21 जन्म हमारी चेहरा कैसा रहेगा? रोज सुबह उठ के एक बार जरूर करना, करोगे? क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता ही है। रास्ते में एक भाई जा रहा था, देखो देखो ध्यान से बताएं, फटाफट सामने बैठे बहने हमारे ऐसे देखते, कौन आया? जरूरी है? भले आपको खुशी हो रही है, हंसी आ रही है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप जब योग करोगे ना, एकाग्रता में ही सफलता मिलती है। अगर मैं योग लगाने के लिए बैठा हूं, अच्छा लाइट भी है यहाँ, बड़े अच्छा लाइट लगाई है तुम,
पंखा कब लाए हैं? अच्छा ये लाल लाइट ये सीनरी कहाँ का है? बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है? लेकिन हम थोड़ी सी ट्रेनिंग लेंगे कि कुछ भी हो जाए, मन तो कहेगा आदत पड़ी होगी ना, देख देख देख, नहीं नहीं देखना है, हो सकता है फिर से हाँ नहीं देखना, ओके। तो हम सभी फरिश्ते बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं? मुस्कुराइए, क्या बनने वाले हैं? फरिश्ते बनने वाले। बाबा ने इस बार की मुरली में कहा आपके चेहरे से दूसरों को अनुभव होना चाहिए, चेहरे से। सुना है सभी ने मुरली और व्यक्तवाणी? बाबा जब आए थे कितनी बार बार इशारा दिया कि आपके चेहरे से सेवा होगी, और मेरे चेहरा में तो बहुत सेवा करने वाली चलेगा। माताएं कहां जा रहे हो भाई साहब, कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं आश्रम में मुरली सुनने के लिए। किसकी? भगवान की। सुनते रहो बाबा, क्योंकि हम भी जा रहे हैं मंदिर में, हम भी दुखी में हैं, तुम भी दुखी, कोई बात नहीं। तो बताओ आपके चेहरे से सेवा होगी, चेहरा कैसे होना चाहिए? बिगाड़ा किसने? नहीं नहीं वो तो समाज ने बिगाड़ा, परिस्थिति देख देख के बिगाड़ा, मैंने थोड़ी बिगाड़ा अपने चेहरे को। समाज ने बिगाड़ा, विकारों ने बिगाड़ा, या मैंने खुद बिगाड़ा? तो सुधारेगा कौन? मुरझाया हुआ चेहरा। अभी राजस्थान में कई जगह पर ऐसी घटना घटती है जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो माताएं सब इकट्ठा ग्रुप बना के निकलते हैं। भाई कोई शरीर छोड़ा तो जाना चाहिए ना? हाँ जी, तो बोलो। तो सब ग्रुप बना के निकलते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक होके, और बाहर निकले और कैसे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक? हंसी खुशी से जाते हैं, लेकिन जैसे उनके घर में आ जाते हैं, पहुंचने वाले हैं, दो मिनट बाकी है, चेहरा को कैसे बनाया? अभी ऐसा था, आगे आगे पहुंच गया। अभी उसके बाद जैसे एंट्री करते हैं, पड़ा हुआ है क्या सब? क्यों अच्छा ध्यान रखना, कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ? दो मिनट एक्टिंग ज्यादा नहीं है, दो मिनट एक्टिंग किया। अच्छा देख देख टाइम हो गया, मुझे जाना है, चलो बाहर आए। अच्छा सुना कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आना तुम, ठीक है? हाँ दो मिनट की प्रैक्टिस हम बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्रेशन के साथ करते हैं, हाँ या ना? ये सभी नहीं, हमें करना पड़ता है क्रिएट को, दुख को। वो किसी ने, मैं दिल्ली में गया था अभी, भट्टी थी दो महीना पहले, दिसंबर में थी भट्टी, तो एक भाई ने आया बड़ा मुस्कुरा के, बोला भाई साहब मैं भी गाना सिखाऊं, मैं गा के सुनाता हूं। मैंने कहा गाओ। वो जैसे गाया ना, आप सोचो सचमुच आप रोने लगोगे, इतना दर्द पैदा किया। हमें दर्द पैदा करना या खुशी पैदा करना? दुनिया वालों ने कह दिया कि भाई दर्द पैदा करो अगर गाना गाना है तो, जरूरी है क्या सत्संग में जाके दर्द पैदा करेंगे? ये संस्कार हमारे थे। तो भाई ने इतना चेहरा बिगाड़ बिगाड़ के गाया, गा तो बहुत अच्छा रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था अभी रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया एक मिनट रुको, थोड़ा उसको मुस्कुरा के गाओ, अच्छा गा रहे हो, अल्लाह करके गा रहा था। तो बोला हाँ, फिर मुस्कुरा के गाया और अच्छा लगने लगा। तो हमने 2500 साल से दुख को क्रिएट किया है, हाँ या ना? दुख भरी एक्शन किया है, अंग अंग में दुख का एक्शन से आत्मा पतित बनी है। ये बड़े ध्यान से समझो, अंग अंग से, पैरों के नाखून से लेके सिर के बालों तक, ठीक है? नहीं बैठना तो बैठे ना, नहीं। अच्छा अंग अंग से, सिर के बालों से लेके, बड़े ध्यान से देखो, जरूरी है। हाँ, अंग अंग से, सिर के बालों से लेके पैर के नाखून तक हमने जो भी नेगेटिव एक्शन किया, आत्मा में पतित का संस्कार पड़ गया है, पतित का संस्कार। अभी उसको परिवर्तन कौन करेगा? नहीं नहीं बाबा कर देगा ना, नहीं नहीं बाबा कर देगा। अरे भक्ति में तो वही किया था ना, राम ने, हनुमान ने, गणेश ने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा दुर्गा सब काम कर रहे हैं, बाबा मैं तो कुछ नहीं, सब बाबा कर। बाबा जो एक लाइन कहा है, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं करना है। वो कहता है, वो सामने जो है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, अरे पहलवान मैं तेरा बाप बैठा हूं, तुम जाना लड़, कोई बात नहीं। ये कहना चाहता है तुम माया से डरो नहीं,
पुरुषार्थ करो। तो क्या पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो? हाँ जी पुष्कर, हम तो बहुत तैयार हैं। मुस्कुराने के लिए तैयार हो? इधर तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन घर में क्या होगा पता नहीं, सब्जी आई है नहीं बोल रहे हैं, वहां के संकल्प बार हो रहा है, चेहरा बिगड़ रहा है। रावण अपना काम करेगा, मुझे अपना काम करना है। पक्का? ये 3 दिन की भट्टी में एक डायलॉग आपको याद रखना है। डायलॉग क्यों? क्योंकि जब हीरो हीरोइन जब एक्टिंग करते हैं ना, अगर डायलॉग अच्छा नहीं होगा तो फ्लॉप हो जाता है फिल्म। हाँ या ना? तो हम सब कौन है? सृष्टि रंग मंच पर एक्टर है, हीरो हीरोइन। ठीक है, आप सब कौन हो? आप सब कौन हो? हीरोइन। सब हीरोइन इधर बैठे हैं भाई, ताली बजा दो। ओके, हम सब हीरो एक्टर। तो एक डायलॉग आपको याद रखना है कि मुझे, बोलो मुझे संगमिक में पल पल आनंद लेना है। कई कई में ठीक कहा, कई कई ऐसा बोला, मुझे संगमिक में पल पल, थोड़ा मुस्कुरा के बोला, मुझे हाँ बेटा, मुझे संगम में पल पल आनंद लेना। अगर आपने ये बातें सीख ली ना, तो इतनी ऊंच स्थिति आपकी बन जाएगी, आप वो हीरे बन जाओगे जो कोयले की खान में। ये दुनिया तो कोयला खान है ना, क्योंकि जहां भी जाओ, घर परिवार में, रास्ते में, इधर उधर, दुख अशांति की सिवाय कुछ नहीं है, चारों तरफ स्वार्थ है या नहीं? लेकिन हम इतना रंग चुके हैं कि वो स्वार्थ भी हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगना चाहिए किस नजरिया से? कि हमारी दो नैनों में एक ही नजारा होना चाहिए, वो है सत्य। कल दादी एक बहन से बात कर रही थी, हमारी मीठी दादी, कि उनको यहां भी अच्छा लगता है बाबा के घर में, दुनिया भी अच्छा लगता है, तो करें क्या? यहां भी अच्छा लगता है, दुनिया में भी अच्छा लगता है, तो करें क्या? ना यहां आ सकते हैं ना वहां छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे भी ऊपर जाना है कि मुझे तो सतयुग में जाना है। लक्ष्य क्या रखना है? जब आप उस किनारे पर पहुंचना चाहते हो तो पैर अपने आप धरती से उठ के नाव पर आ जाएगा। छोड़ना नहीं चाहते हो, दोनों तरफ पैर है तो प्रॉब्लम होती है। बाबा के पास संपूर्ण आने के लिए एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे सत्य में जाना है।